जहां भाला फेंक पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरालंपिक की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देवेंद्र ने जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही 63.97 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझरिया को स्वर्णिम सफलता पर बधाई दी है। दिव्यांगों का दिव्य प्रदर्शन रियो पैरालंपिक में भारतीय सफलता की नई कहानी लिख रहा है। दीपा मलिक, मरियप्पन थांगावेलु और वरुण सिंह भाटी के बाद अब रियो से एक बार फिर खुशखबरी सफलता की सुनहरी चादर ओढ़कर आई है। कामयाबी की इस तस्वीर की रचना की है भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने, वो ना जिसने एक बार फिर अपनी काबिलियत को विश्व मंच पर सुनहरा रंग दिया। देवेंद्र ने जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत इतिहास तो रच ही दिया, लेकिन इस खुशी को दुगना किया उनके उस बेहतरीन प्रदर्शन ने जिसने नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। देवेंद्र ने 63.97 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले देवेंद्र ने एथेंस में 2004 में हुए पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक को अपने नाम किया था। तब उन्होंने 62.15 मीटर जैवलिन फेंका था, जो कि इससे पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 35 वर्षीय देवेंद्र राजस्थान के चुरू के रहने वाले हैं और उनकी कामयाबी का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता रहा है। 2002 में साउथ कोरिया में हुए फेस्पिक गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो 2013 में आईपीसी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि 2014 के एशियन गेम्स में उनकी चांदी हो गई। हर कदम पर आगे बढ़ने की चाहत ने उनकी परेशानियों को बौना साबित कर दिया। छोटी सी उम्र में एक हादसे के चलते दिव्यांग हुए देवेंद्र झाझरिया ने सचमुच जिंदगी को अपनी सफलता से न केवल नया नजरिया दिया, बल्कि उन तमाम दिव्यांगों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर सामने हैं, जो बस इसी बात को पेश करता है कि जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए कोई शर्त नहीं बल्कि ठोस इरादा चाहिए। स्पोर्ट्स डेस्क, TD न्यूज़।